नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं हमारे पूजनीय स्वामी चिदानंद महाराज जी और साध्वी भगवती जी को बहुत बहुत अभिनंदन, शत-शत अभिनंदन आपके इस सुंदर सेवा जो पर्व चल रहा है उसकी वजह से हमें इतने अच्छे विषय पर बोलने के लिए और टूल किट्स की जो बात है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी ने जो मूल जो बातें थी वो शेयर की, इसलिए मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि ब्रह्मा कुमारी शिशु विश्वविद्यालय में 1936-37 में हमारे संस्था के फाउंडर जिन्हें हम पिताश्री कहते हैं, उन्होंने उस समय एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया कि महिलाओं की स्थिति जब उन्होंने देखी तो उनको ये लगता था कि उनको क्यों आगे नहीं रखा जाता, क्यों ये पर्दा सिस्टम है, और महिलाओं को उन्होंने हमेशा ही शक्ति के रूप में देखा। तो उस समय क्योंकि वो इतने बड़े ज्वेलर थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया उनको कैसे एम्पावर करें, तो उस समय उन्होंने 8 वुमेन की महिलाओं की ट्रस्ट के रूप में बनाया, उनको एम्पावर कर दिया और उन्हें ये प्रैक्टिकली करवाया, और उसका नतीजा हम ये देखते हैं कि उस समय जो उन्होंने स्टेप लिया, कहने का मतलब ये है कि वो एक बैकबोन की तरह उनको एम्पावर करते रहे उनकी वैल्यूज़ और क्वालिटीज़ से। तो आज हमारे भारत में ब्रह्मा कुमारी इसकी जो 8,000 से अधिक शाखाएं हैं और 140 देशों में जो महिलाएं हैं उनको एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष नहीं है, वो भी साथ साथ मिलकर हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें विशेष रूप से वुमेन एम्पावरमेंट का है। उसमें जो टूल किट्स हम अपनाए हुए हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूँगी कि मैं माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर्स में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट मिला है, जैसे आपने कहा कि ये एक ऐसा प्रश्न है, ऐसी बात है, कई दिन लग जाते हैं प्रॉब्लम्स बाहर आने में। जो वॉयलेंस की बात है उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फोर्सेस में भी, अभी मैं कुछ समय से काउंसलिंग कर रही हूँ, मेरी विशेष काउंसलिंग की क्लासेस में मतलब लेती रहती हूँ, उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। कॉन्फिडेंस काउंसलिंग है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, तो जब इनको बुलाया जाता है, जैसे मैं कुछ दिन पहले कर रही थी, वो वायलेंस पढ़े लिखे परिवार में उस महिला के साथ जिस प्रकार से मारपीट होती रही और उसकी ऐसी हालत हो गई, वो बीमार हो गई, और उसके बाद उनके, यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके जो मुख्य थे उन्होंने मुझे संपर्क किया और मुझे कहा कि अभी हमसे नहीं संभल रहा है, क्योंकि हमारे कई बार समझाने के बाद भी उनके पति उनको मार रहे हैं, हमने उनको यहाँ तक कहा कि हम आपको जॉब से निकाल देंगे, उसके बाद भी जो है उसके साथ जो भी प्रकार की वायलेंस हो रही है जिससे कि उस महिला के मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा, उसके लिए वो आती रही हमारे पास। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसको काउंसलिंग दी, बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि शी वॉज नॉट रेडी टू लिसन एंड शी वॉज क्राइंग एंड क्राइंग कॉन्टिन्यूसली। तो उस समय पहले सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है उसको कॉन्फिडेंस देना, हिम्मत देना, उनका मनोबल बढ़ाया गया कि ऐसा नहीं समझो, जो भी हुआ है आपका, वो उसने यहाँ तक बताया कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। तो हमने उनको कहा कि इतना इम्पॉर्टेंट जीवन है, उसके सुसाइड तो कोई, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि जीवन का अंत है, आपके बच्चों का क्या होगा, आप ये भी तो सोचिए। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि कुछ दिन तक मैंने काउंसलिंग दी, तो जो यहाँ पर बात हो रही है कि जब उनको उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया कि आपके अंदर ये शक्तियाँ हैं, आप कैसे, आप तो नारी शक्ति हैं जो कि हमारे वेदों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में है, और फिर मैंने जो एक टूल यूज़ किया वो ये कि पहले तो तैयार नहीं होते मानसिक रूप से, तो हमने मेडिटेशन को इसमें एक इम्पॉर्टेंट टूल लिया, उनको हम साइलेंस में बिठाते थे, उनको ये भी कहा कि हाँ आप
जो भी है ओपन योर माइंड, फ्री हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। तो 3-4 दिन के बाद अच्छा लगने लगा उनको और उन्होंने कहा कि हमने भी मेडिटेशन जो है वो किया। और मेडिटेशन का मतलब ये कि ऐसे थॉट्स, इसको मैंने अफर्मेशंस के रूप में लिया, जैसे मैं शक्ति हूँ, मैं महान हूँ, मैं, मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ, जिसमें वो सोच रही थी इम्पॉसिबल है। तो ऐसे अफर्मेशंस को जब हमने उनको रिपीट करने के लिए कहा कि नहीं, आपको जब ऐसी मन में बात आ जाए सुसाइड करने की हिंसा की वजह से, तो आपको इसको उपयोग में लाना है। तो हमने देखा कुछ दिन के बाद में बहुत फ़र्क पड़ा। फिर तो बाद में उनके हस्बैंड को भी बुलाया, तो जब दोनों को बिठाया तो तब पता चला कि उस समय ऐसी स्थिति में, जबकि जो अभी मैं सुन रही थी कि साइलेंस कुछ समय के लिए, जैसे कि अपनी मानसिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, जब उन्होंने मेडिटेशन को, स्पिरिचुअलिटी को टूल के रूप में उपयोग में लाया, तो हस्बैंड ने भी ये स्वीकार किया कि मुझे वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने माफ़ी भी मांगी और आज वो बहुत अच्छी तरह से रह रहे। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन हमको अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे करना चाहिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, जिसमें 3 A बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है अवेयरनेस, उनमें हम ऐसी जागृति पैदा कर दें, उनके लिए एक टीम बननी चाहिए, रीच आउट होना चाहिए, जहाँ उनके प्रोग्राम्स हों वहाँ हम चले जाएँ और उनको बताएं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले माउंट आबू के कलेक्टर और SDM ने मुझे रिक्वेस्ट की और हमने प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया बालिकाओं के लिए। तो हम स्कूल में गए, तो स्कूल में जाके बच्चियों को ये उनके प्रिंसिपल ने बताया कि ऐसा ऐसा होता है सब। तो हमने उनके साथ ग्रुप्स में बैठे और उनसे बातचीत की, तो हमने देखा बहुत फ़र्क पड़ता है जब हम पर्सनल कॉन्टेक्ट में आते हैं और उनमें हम अवेयरनेस देते हैं रेफरेंसेस के साथ में। दूसरा जो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बहुत ज़रूरी है कि घर के सदस्य जो हैं महिलाओं को धन्यवाद जरूर दें। वो सुबह से रात तक हमारे लिए कार्य करती हैं। तो पहले तो परिवार से, अभी जैसे महाराज जी स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कल सुबह के भी सेशन में, कि सबसे पहले तो अपने से, जहाँ हमारे आसपास 4-5 लोग हैं उनसे हमें शुरुआत करनी चाहिए, तभी तो आगे वो समाज में जाएगी, समाज से कैसे राष्ट्र में जाएगी। तो पहले हम आपस के जो परिवार के सदस्य हैं वो महिलाओं को सम्मान दें, उनको ग्रेटिट्यूड, उनको धन्यवाद देना चाहिए, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े। और साथ ही साथ जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात हमारे जीवन के अंदर है, जो हम बहुत अच्छी तरह से उन्हें लेकर आ सकते हैं, वो है कि जिसको मैं कहती हूँ अटेंशन टू सेल्फ केयर, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एम्पावरमेंट टेक्निक्स। वो बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को, बालिकाओं को, स्कूल के बच्चों को, उनको किसी न किसी रूप से, चाहे वो सॉन्ग्स हो, आजकल तो हमारे पास मल्टीमीडिया है, कुछ ऐसे उनको सॉन्ग्स, फिल्म्स या ऐसी वीडियोस दिखाइए। नहीं, आजकल तो वीडियोस देख के हमारा यूथ बहुत इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो हम उनको ऐसी चीज़ें दिखाएं जिससे वो एम्पावर हो जाए, वो ऐसी सब परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम हो जाए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैंने अनुभव से शेयर की। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।